नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश। 31 मार्च दिन बुधवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। योगी सरकार यूपी आने वाले छात्रों और पर्यटकों को सस्ते में देगी रुकने के लिए कमरे। व्हीलचेयर पर बैठकर मोहाली कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी, यूपी लाए जाने का बढ़ता दिख रहा है इंतजार। हमीरपुर में छेड़छाड़ से परेशान होकर 14 साल की लड़की ने खुद को लगा दी आग। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से दो सगे भाइयों समेत मामा की हुई मौत, एसएचओ सस्पेंड। 1 अप्रैल से यूपी में बीयर सस्ती और अंग्रेजी देशी शराब हो जाएंगी महंगी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब प्रदेश में दूसरे शहरों से आने वाले पर्यटकों, प्रवासी लोगों और छात्रों को एक खास तोहफा देने जा रही है। सरकार की नई नीति के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में बेहद कम किराए पर एक बेड की डॉर्मेट्री की व्यवस्था की जाएगी। यह सुविधा 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक बेड के साथ एक अलमीरा और एक लॉकर वाली होगी। नगर विकास विभाग ने सभी शहरों के लिए इस बारे में एक नीति बना दी है, जिसे वह जल्द जारी करने जा रहा है। इस नीति से जुड़े आदेश के जारी होते ही दूसरे शहरों से आने वाले इन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में रुकना बेहद सस्ता हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की इस नीति के पीछे की मंशा है कि शहरों में आने वाले छात्रों, पर्यटकों और दूसरे यात्रियों को बेहद कम कीमत में रुकने की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को आज यूपी नहीं लाया जाएगा। मुख्तार के यूपी लाए जाने का इंतजार अभी बढ़ता दिख रहा है। दरअसल आज मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया। मुख्तार को बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कोर्ट लाया गया था। मोहाली पुलिस ने बताया कि मुख्तार को कोर्ट की प्रक्रिया के मुताबिक ही लाया गया था। मुख्तार चालान की कॉपी लेने के लिए आरोपी की हैसियत से कोर्ट आया था। अंसारी को चालान की कॉपी रिसीव कराकर कोर्ट से वापस रोपड़ जेल भेज दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। वहीं अदालत में पेशी के लिए मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से यूपी नंबर की एम्बुलेंस कोर्ट से आया था। कड़ी सुरक्षा के बीच अंसारी व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट में पेश हुआ। वहीं व्हीलचेयर पर बैठा मुख्तार अंसारी बेसुध सा दिखा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मंचलों की ब्लैकमेलिंग से परेशान 14 साल की नाबालिग छात्रा ने आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश से इलाके में हड़कंप मच गया है। नाबालिग लड़की को बुरी तरह जली स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। नाबालिग को दीवाना शत्रुघ्न सिंह जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल में लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। लड़की की मां ने बताया कि पिछले 15 दिनों से गांव का एक लड़का उसे बहुत परेशान कर रहा था, उसके साथ बलात्कार कर चुका है और वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। 14 साल की लड़की जो कक्षा 9वीं में पढ़ती है, उसे गांव का ही एक नाबालिग लड़का जो खुद भी कक्षा 9वीं क्लास में पढ़ता है, बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। इस धमकी से परेशान होकर मंगलवार को नाबालिग छात्रा ने घर में मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा दी। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई और उनके मामा हैं।
वहीं जहरीली शराब पीने से एक शख्स की हालत गंभीर हो गई थी। बाद में उसने भी दम तोड़ दिया। उसे इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था। ये मामला उदयपुर थाना क्षेत्र के बाबा गांव कटियारिया का है। तीनों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के सामने आने के बाद एसपी ने उदयपुर के थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मृतक के परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम लागू हो जाएंगे। 1 अप्रैल से बियर सस्ती होगी, लेकिन देसी और विदेशी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। खबरों के मुताबिक 1 अप्रैल से बियर की एक कैन की कीमत में 20 रुपए तक की कमी हो सकती है, जबकि देसी शराब में 5 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अंग्रेजी शराब की कीमतों में भी 20 रुपए प्रति क्वार्टर की वृद्धि संभव है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से विदेशी शराब, स्कॉच वाइन और वोडका के लिए परमिट फीस में इजाफा कर दिया है। इसके बाद 600 रुपए से ज्यादा के एक्स कस्टम ब्रांड कीमत वाली शराब की परमिट में बढ़ोतरी की गई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो अंग्रेजी शराब के सस्ते ब्रांड के दामों में वृद्धि की संभावना ना के बराबर है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।